सैंडविच बनाने के लिए पत्ता गोभी काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं, थोड़ी सी चाट मसाला आधा चम्मच ऐड कर लिए हैं, थोड़ी सी डालेंगे नमक, ये रहा नमक, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीज, ये रहा चीज, और थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, मिर्ची पाउडर जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं, हल्का ही डालें, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मसाला तैयार कर लिए हैं, तो उसके बाद लेंगे सैंडविच ब्रेड। जो सैंडविच ब्रेड है वो नॉर्मल ब्रेड से थोड़ी बड़ी आती है, इसमें लगाएंगे दोनों साइड स्वास, एक साइड तीखा स्वास लगाएंगे, एक साइड मीठा स्वास लगाएंगे। एक साइड तीखा स्वास लगा के रख दिए हैं, और इसमें डालेंगे यही पूरा मसाला जो तैयार किए हैं। इसके बाद डालेंगे चीज, थोड़ी सी चीज पहले से ही डाल के मिक्स किए हैं। इसके बाद ऊपर वाले लगाएंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप लगा के उसके ऊपर इस तरह रखेंगे और बंद कर देंगे इस सैंडविच मेकर को। इसके बाद ले जाके इसको पकाएंगे। इसी तरह दोनों साइड पकाएंगे। गैस स्लो रखें। सैंडविच बनके तैयार हो गई है, निकालेंगे इसको सैंडविच मेकर से बाहर निकालेंगे। बहुत ही सुंदर सैंडविच बनके तैयार हुई है, इसको बीच से काट के दिखाते हैं आपको।
बहुत ही अच्छी सैंडविच बनके तैयार हो गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। जहाँ पे आपको रेसिपी समझ में ना आई होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता देंगे पूरा अच्छे से।